मुख्य पार्षद का पीसी हुआ था जिसमें आपके प्रति कुछ उनका आपत्तिजनक बयान था जिसे आप सुन भी लिए होंगे, उस पर आपका क्या कहना है? मैं एक महिला वार्ड पार्षद हूँ वार्ड नगर परिषद में, और जहाँ तक मेरा यह मानना है कि जब वार्ड पार्षद होते हुए मैं अपने वार्ड में हुए कामों की देख रेख या समीक्षा या उससे संबंधित फाइलों के बारे में पूछताछ करने का अधिकार रखती हूँ, तो इसी संबंध में मैं नगर परिषद गई हुई थी, लेकिन माननीय राजीव कुमार चुन्ना जी को यह आपत्तिजनक लगा। ये उच्च पद पर होते हुए एक नगर के सर्वोच्च पद पर स्थापित होते हुए एक महिला वार्ड पार्षद के साथ इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं ये निहायत ही शर्मनाक है, और मैं इसमें इतना ही कहूँगी कि वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, इसलिए वो अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक महिला वार्ड पार्षद के लिए, और सभी जो भी यहाँ पे अभी महिलाएं हैं उनके लिए ये एक मैसेज है कि इस तरह का अगर स्टेटमेंट आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके लिए मानहानि उन पर ज़रूर करना चाहूँगी, और आप लोग से भी कहूँगी कि इसके लिए आगे आएँ और मेरा साथ दें। कुर्सी दर 32 लाख, उन्होंने जो चुनाव में वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद के लिए जो उन्होंने जो खर्च किया 32 लाख 35 लाख 40 लाख क्या किया है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका रिकवरी हो जाए। कार्यपालक पदाधिकारी गलत काम तो कर नहीं सकते, कोई भी अपना नौकरी नहीं खोएगा, इसलिए वो उनके मंसूबे पर जब खड़े नहीं उतर रहे हैं तो उन पर एलिगेशन लगाया जा रहा है, साथ साथ हम लोगों को भी फंसाया जा रहा है, क्योंकि चेयरमैन जो है उनके अनुसार गलत सलत फाइल पर कार्यपालक पदाधिकारी सिग्नेचर कर दें, पैसा सेंसन कर दें, यही उनका मंसूबा। जब ये नहीं हो रहा है तो वो अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता देवी है, मैं वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 17 से हूँ।